प्यारे बच्चों, क्लास 11th का एग्ज़ाम 17 तारीख से शुरू होने वाला है। 17, 18, 19 तीन दिन में ही ख़त्म कर रहा है और जैक और JCRT द्वारा एक ही मॉडल प्रश्न पत्र प्रत्येक विषय का जारी किया गया है। इसीलिए मैं कुछ और महत्वपूर्ण प्रश्नों को बता रहा हूँ जो आपके परीक्षा उपयोगी है। मैंने इकोनॉमिक्स के तीन मॉडल सेट तैयार किए थे जिसको मैंने बताया है। यदि आप लोगों ने उसे नहीं देखा है तो आप चैनल के प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर ले। आज हम लोग इतिहास के प्रश्नों को देखेंगे। इसका नाम दिया हम लोग मॉडल सेट वन। तो इसका पहला क्वेश्चन है, साक्ष्यों से ज्ञात होता है कि होमोनिड्स का उद्भव हुआ कहाँ से उद्भव हुआ है, तो अफ्रीका में। कौन औजार बना सकते थे, तो होमोनिड औजार बना सकते थे। तीसरी शताब्दी में रोमन सम्राटों को मध्य यूरोप में किससे निरंतर युद्ध करना पड़ता था, तो विदेशी बर्बर से। अशोक के अभिलेखों में किस भाषा का प्रयोग हुआ था, तो संस्कृत। यायावार का अर्थ है, तो इसका मतलब होता है घुमक्कड़। ओगोदेई किसका पुत्र था, तो चंगेज खां का। सर्प किसे कहा जाता था, तो भूदास को। कुतुब नुमा का आविष्कार कब हुआ था, कुतुब नुमा के जगह होना चाहिए कुतुब मीनार का आविष्कार कब हुआ था, 1380 में। किसे धातु कर्म में क्रांति लाने का श्रेय दिया जाता है, तो अब्राहम डर्बी को। अफ्रीका के किस राष्ट्रपति ने मूल निवासियों को अभागी नस्ल कहा, तो थॉमस जेफरसन ने। जापान में पहली बार महिलाओं ने कब मतदान किया, तो 1946 में। लंकाशायर कहाँ स्थित है, इंग्लैंड में। होमो लैटिन भाषा का शब्द है जिसका अर्थ है आदमी। ऑस्ट्रेलोपिथेकस की उत्पत्ति हुई है, तो कहाँ, तो लैटिन और ग्रीक भाषा से। पैगंबर मोहम्मद का जन्म हुआ था कहाँ, मक्का में। चंगेज खां की मृत्यु कब हुई, तो 1227 ईस्वी में। जर्मनी के फ्रैंक जनजाति ने किस देश का निर्माण किया, तो फ्रांस का। दीप पाइटा नामक चित्र किसकी कृति है, तो माइकल एंजेलो की। स्पिनिंग जेनी का आविष्कार किसने किया था, तो जेम्स हारग्रीव्स ने। सर्वप्रथम भाप इंजन का आविष्कार किसने किया था, तो जेम्स वाट ने। 18वीं शताब्दी के आरंभ में यूरोपीय लोग चीन में क्या खरीदते थे, तो चाय, रेशम, मिट्टी के बर्तन, तीनों, इसलिए इनमें से सभी। लिवरपूल स्थित है कहाँ पर, तो इंग्लैंड में। पाडुआ विश्वविद्यालय कहाँ स्थित है, इटली में। निम्नलिखित में कौन सबसे पहला पाषाण औजार नहीं है, तो मिट्टी का बर्तन या मृद भांड जिसको कहेंगे। पैगंबर मोहम्मद की माता का नाम क्या था, तो अमीना। मंगोल साम्राज्य के संस्थापक कौन थे, चंगेज खां। बड़े सामंत के घर को क्या कहा जाता था, तो उसको मेनर कहते थे। द लास्ट सफर की रचना किसने की, तो यहाँ हो जाएगा आपको लियोनार्डो दा विंची ने। इसका एक और कृति है मोनालिसा। किस देश का नाम एक पेड़ के नाम पर है, तो ब्राजील। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों। समुद्री मार्ग द्वारा समस्त विश्व का चक्कर किसने लगाया, तो मैग्नल ने। ऑस्ट्रेलिया के मूल निवासी कौन थे, तो तासमान। ताइवान चीन से कब अलग हुआ, तो 1949 में। जर्मनी किस महादेश में है, यूरोप। विकासवाद के सिद्धांत की रचना किसने की, तो चार्ल्स डार्विन ने। होमो नीएंडरथैलिसिस के जीवाश्म पाए गए थे कहाँ, तो नीएंडर घाटी में। रोमन साम्राज्य को पूर्वी तथा पश्चिमी भागों में किस सदी ईस्वी में बांटा गया, तो चौथी। अंतिम खलीफा कौन था, तो अली। रोम नगर किसे बसा हुआ था, मतलब रोम नगर किससे बसा हुआ था, तो टाइबर में। बारूद का आविष्कार सर्वप्रथम कहाँ हुआ था, चीन में। और लास्ट क्वेश्चन आपका, सड़क निर्माण प्रणाली का आविष्कार किसने किया था, तो मैकडम ने। तो बच्चों, ये थे कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो गेस्ट पेपर की सहायता से मैंने तैयार किया है।
आप लोग एक नज़र इसको देख लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक ले आज्ञा दीजिए, बाय बाय।